फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आप सभी के लिए लेकर आई हैं चॉकलेट केक की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 पैकेट ओरियो बिस्किट। अब इसको खोलकर मैं एक मिक्सर जार में डालकर इसका महीन पाउडर बना लूँगी। आप चाहें तो कोई सा भी चॉकलेट फ्लेवर में आप बिस्किट ले सकते हैं। तो ऐसे मैंने सारे पाउडर बिस्किट के बना लिए हैं, देख सकते हैं आप, मैंने ऐसे सारे पाउडर बना लिया है। अब मैंने एक बड़े से बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मैंने इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका अच्छा से मैं घोल बनाऊंगी। देखिए, थोड़ा थोड़ा ही दूध डालेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका अच्छे से घोल बनाया है, बैटर बनाया है। तो देखिए, ऐसे घोल बन गए हैं। अब मैंने ये 6 इंच का मैंने दिल शेप वाला केक टिन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं अच्छे से इसको ग्रीस कर लूँगी। देखिए, अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैंने इसमें बटर पेपर लगाया है, देखिए लगा दिया। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छे से मैं और से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, देख सकते हैं। तो ये केक का बैटर है जो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको टैप कर देंगे। देखिए, मैंने टैप कर दिया है, जो भी इसमें एयर बबल हो उसे निकल जाए। अब मैंने इसको फॉइल पेपर से मैंने ढक दिया है। फ्रेंड्स, मैं इसको बेक करके नहीं बनाऊंगी, इसको स्टीम करके बनाऊंगी। तो इधर मैंने गैस पे पानी रख दिया था कढ़ाई में, और देखिए पानी गर्म हो गया है। तब मैं इसमें एक स्टैंड रखूँगी और ये डाल दूँगी। पहले हाई फ्लेम पर मैं 5 मिनट इसको स्टीम करूँगी, फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। इधर मैं चॉकलेट गनास आप लोगों के बताना बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने 100 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, उसको अच्छे से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करके मैं एक बाउल में डाल दूँगी। देखिए, मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं गर्म दूध डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए, अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए, मिक्स हो गया है। देखिए, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, मेल्ट हो गया है चॉकलेट, कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है, देख सकते हैं आप। इधर केक भी स्टीम हो गया है, तो हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए, मैं इसको निकाल लूँगी, इसको ठंडा होने देखें। देखिए, ठंडा हो गया है, तो मैं फॉइल पेपर हटा दूँगी। देखिए, कितना स्पॉन्जी केक बनकर रेडी है, देख सकते हैं आप। तो एकदम इजी तरीके से आप केक बेक कर सकते हैं स्टीम करके। तो देखिए, मैंने एक प्लेट में इसको पलट के निकाल लिया है और बटर पेपर इसका मैं हटा दूँगी। देखिए, कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है ना, देख सकते हैं। तो मैंने इसको पलट लिया दोबारा से। अब जो चॉकलेट गनास बनाया था मैंने, अब इस पे मैं डाल दूँगी इसको। देखिए, मैं इस पे चॉकलेट गनास जो है इसको डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे। देखिए, अच्छे से मैं चारों तरफ डाल दूँगी, अच्छे से मैं इसको फैला दूंगी। देखिए, मैंने फैला दिया है इसको। अब इसमें थोड़े से मैंने चॉकलेट ग्रेट करके साइड में लगा दूंगी। देखिए, मैंने तो साइड में चॉकलेट लगा दिया है, ज़्यादा मुझे डेकोरेट करना नहीं आता है। मैंने ऐसे ही थोड़ा से बच्चों के लिए थोड़ा सा सजा दिया है, और थोड़े से मेरे पास स्प्रिंकल पड़े थे वो डालकर थोड़ा मैं इसको गार्निश कर दूँगी। देखिए, और इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ा सेट होने के लिए। देखिए, कितना स्पॉन्जी, कितना सॉफ्ट केक बनकर रेडी है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं इसको कट करके दिखाऊंगी कितना स्पॉन्जी है। और दिल से धन्यवाद आप मेरी वीडियो देखने के लिए। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।